वेलकम टू हरे कृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स बा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जहाँ कि तुम यूकैरियोटिक सेल रे देखा जाए। तो यूकैरियोटिक सेल रे जो ऑर्गेनेल्स गुड़ाक देखा जाए तो सी बाबद आज आम डिस्कस करवा। तो बर्तमान जानवा आस कौ कौ ऑर्गेनेल सब रही बहुत आम देखा जब प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल केस रे। तो देखा आस कौन सब ऑर्गेनेल रही ऑर्गेनेल कौन ता बाबद आम किसी डिस्कस कर। तो सेल ऑर्गेनेल आम कौन कहीपर ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बोली कह। तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल रे जदि आम प्लांट सेल कथा कह प्लास्टिड देखा जाए। तो प्लास्टिड केते प्रकार कौन कौन एवं क्लोरोप्लास्ट बाबद आम डिस्कस करवा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्लांट सेल एनिमल सेल केस रे देखा जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत प्लांट सेल एनिमल सेल केस रे देखा जाए। राइबोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोजोम डिफरेंट माइक्रोबॉडीज पेरोजोम ग्लाइक्सोजोम पैरोक्सोजोम ये सब बाबद माइक्रोबॉडीज रे पढ़वा। सिलिया एंड फ्लाजेला बाबद डिस्कस करवा। सहित साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर सब जो रही है माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडियरी फिलामेंट तो ये सब बाबद डिस्कस करवा। तापरे तुमर नेक्स्ट देखा जब न्यूक्लियस सेल रो सेंट्रल ऑर्गेनेल बोल के कहवा जे न्यूक्लियस सहित आम वेहिकल बाबद डिस्कस करवा। तेणु सेल रो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बाबद आम यही सब ऑर्गेनेल बाबद डिस्कस करवा। तेणु बर्तमान आम देखा जे प्लास्टिड रो स्ट्रक्चर बाबद प्लास्टिड रो टाइप्स बाबद जो थे आम क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर इत्यादि फंक्शन बाबद जानवा। तो आस देखा प्रथम प्लास्टिड बाबद। तो ओके देख प्लास्टिड बाबद जी आम कह प्लास्टिकटा तुम ग्रीक टर्म रही प्लास्टिकस जार माने फॉर्म बा मॉड्यूल्ड। तो ये जो टर्मटा यूज करते किए ना स्कैम्पियर AFW स्कैम्पियर। तो यार टाइप्स बाबद जी आम कह देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड गोटे तुम क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर जी देखा जाए। क्रोमोप्लास्ट कलर अदर देन ग्रीन ग्रीन ठारो जहाँ अलग किसी कलर देखा गला बा ग्रीन को छाड़िकी आउ जहाँ कलर रहा सी सब कह कैटेगराइज हुए तुम क्रोमोप्लास्ट रे कैटेगराइज करा जाए। एवं जो गुड़ाक कलरलेस प्लास्टिड से गुड़ाक कैटेगराइज करा जाए तुम ल्यूकोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट फंक्शन जदि आम कह नॉर्मली मैंने फूड स्टोर करके रखे साय करता है। जदि से स्टार्च स्टोर करके रखुच्छे तेल देखो आम कौन कहूँ ना अमाइलोप्लास्ट। एवं जदि तुम ऑयल स्टोर करके रखुच्छे एलायोप्लास्ट ओलियोजोम बोल के कह जाए। जदि ऑयल स्टोर कर रखे तेल एलायोप्लास्ट ओलियोजोम बोल के कह जाए। तापर जदि प्रोटीन स्टोर करके रखे तेल आम कौन कहूँ ना प्रोटीनोप्लास्ट आम कौन कहूँ ना एल्यूरोप्लास्ट बोल कह जाए। प्रोटीनोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट बोल कह जाए। तो ये तीनोटा प्लास्टिड से मैंने इंटरकनवर्टेबल इन नेचर। तेणु आम कह क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू क्लोरोप्लास्ट। तो यही जो इंटरकनवर्टेबल नेचरटा प्राय आम फ्रुट्स केस रे देखी था जमीक टमाटो जदि आम कह टमाटो फास्ट जो हुए टू सम एक्सटेंट कलरलेस देखा जाए जोटा कि ल्यूकोप्लास्ट कंडीशन आम कह ग्रेजुअली ग्रीनिश कलर देखा जाए। तो क्लोरोप्लास्ट कंडीशन जब आम कह तुम येलो देन टी रेड कलर देखा जाए। तो आम क्रोमोप्लास्ट किसी फ्रूट केस रे एमती अब्जर्व आम करें कह ये तीन टा तुम प्लास्टिड दे आर इंटरकनवर्टेबल इन नेचर। तो बर्तमान देखा आस स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्टर अल्ट्रा स्ट्रक्चर बाबद आम देखा। तो क्लोरोप्लास्ट बाबद जी आम कह तो क्लोरोप्लास्ट हूँ गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जार आउटर मेम्ब्रेन आउ इनर मेम्ब्रेन रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस थाए कहुए पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो ता भितर जो मैंने कौन फ्लूइड स्ट्रक्चर थाए आम कौन कहूँ ना स्ट्रोमा जो थे कि तुम डार्क रिएक्शन हुए जो फोटोसिंथेसिस रो दुईटा दुईटा पार्ट बोल के आम कह गोटे लाइट रिएक्शन पार्ट बा फेज आ गए तुम डार्क रिएक्शन फेज। तो स्ट्रोमा रे तुम डार्क रिएक्शन होता है। थाइलाकोइड जो आम देखु थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जो लिपो पिगमेंट
ଏଇଥିରେ ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ ବା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥ୍ରୋରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏହାକୁ ତୁମର ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ ନାମ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଥାଇଲାକଡ଼୍ରେ ତୁମର ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଥାଇଲାକଡ଼୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରେ ଏବଂ ତୁମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଥାଇଲାକଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଅଛି ବା ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ ଥାଇଲାକଡ଼୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରାନମ୍, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମରେ ଗ୍ରାନମ୍, ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମରେ ଗ୍ରାନା। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାନମ୍କୁ ମିଶେଇକି କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାନା। ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରାନମ୍ ବା ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଥାଇଲାକଡ଼୍ର ସମାହାର। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଇଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାନମ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲି, କ'ଣ କହୁ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଡ଼୍ ବା ତାକୁ ୱାର୍ ଫର୍ମରେ ଫିଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ତା ବାଦେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଭିତରେ ତୁମର ରହିଛି କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଜିନ୍ ବା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଡିଏନ୍ଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁ ସେମି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍, କାହିଁକି ନା ୟାର ଇଏ ରିକ୍ୱାୟାର୍ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ 50% ଇଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ ଆଉ ବାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଲ୍ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେମି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏ ସେଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସେଲ୍, ତା'ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ଇଏ ତୁମର ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଣ୍ଡୋସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଥିଓରି କହେ ଯେ ଇଏ ହାୟର୍ ସେଲ୍ରେ ତା'ମାନେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଇଏ ସିମ୍ବାୟୋଟିକାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ସେଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସେଲ୍। ତା ବାଦେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଭିତରେ ବୋଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଲେଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଲଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି କହିବା ଯେ ଇଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଦିନବେଳାର ଯେଉଁ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ NADPH2 ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଭଲ୍ଭ କରିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ର ଅଲଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏବଂ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ବାବଦରେ ଦେଖିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଆମେ ଯିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବାବଦରେ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ମାଇଟୋ ମିନ୍ସ ଥ୍ରେଡ୍, ମାଇଟୋଜ୍ ମିନ୍ସ ଥ୍ରେଡ୍, କଣ୍ଡ୍ରିଆ ମିନ୍ସ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍, ମାନେ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ଟା ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଯାହାକୁ ଟର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତୁମର ବେଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ହିଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଟର୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତା ବାଦେ ଏଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ କଲିକର ନାମକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମ ଫିଲା ଟର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ଲେମିଂ, ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଟର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବାୟୋବ୍ଲାଷ୍ଟ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେଉଁ ଆମର ସେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭଲି କ'ଣ କହିବା କଲେକ୍ଟିଭଲି କଣ୍ଡ୍ରିୟମ୍ ବୋଲିକି କହିବା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଫ୍ ଏ ସେଲ୍ ଆର୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି କଲ୍ଡ କଣ୍ଡ୍ରିୟମ୍। ତାପରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାଇଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆନ୍ ର ୱିଦାଉଟ୍ ଯଦି ଆମେ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ମାଇଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍ର ସାଇଟ୍, ତେଣୁ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭଳିଆ ତୁମର ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଓନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ବା ଡିଏନ୍ଏ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯିଏକି ଏଣ୍ଡୋସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଥ୍ରୋରେ ମାନେ କ'ଣ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ହାୟର୍ ସେଲ୍ରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏ ସେଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସେଲ୍ ବୋଲିକି କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆସ ଏଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅଲଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବାବଦରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଡବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନେଲ୍। ତ ଏହାର ଆଉଟର୍ ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଏବଂ ଇନର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେଟା ହେଲା ଇନର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ତ ଏଇ ଇନର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଖ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଇନଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଛି, ତା'ମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ସରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଇନଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଇନଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା କ୍ରିଷ୍ଟେ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଇନଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା କ୍ରିଷ୍ଟେ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଇନଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ, ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ହିଁ ଇନଫୋଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ଇନର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ରହିଲା ସେଇ ସ୍ପେସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପେରି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପେରି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍।
तो ये मिनर मेम्ब्रेन सहित देखा जा किसी जो टेनिस रैकेट भाई किसी स्ट्रक्चर जो सबुआड़े थाएक आम कौन कौन ना ऑक्सीजोम कही थाऊ कौन कौन एटीपी सिंथेटाइज बोल था। तो ये तुम जो एटीएस सिस्टम जो रही तार यहाँ हूँ कॉम्प्लेक्स फाइव तेणु ये ऑक्सीजोम स्ट्रक्चर जदि आम देखा तार एफ वन पार्टिकल जोटा हेड पार्ट मैंने हेड पार्ट रही ये जोटा बेस आउ हेड को जॉइन कर स्ट्रक्चरटा स्टक तेणु यार दुटा पार्टिकल रही गोटे एफ वन पार्टिकल आ गए एफ जीरो पार्टिकल एफ ओ पार्टिकल बोल कहा जाए। तेणु एफ वन पार्टिकल और एफ जीरो पार्टिकल एटीपी सिंथेसिस रे मैंने कौन करे ना साहय करें तो आम तातर को जीवानी एट मॉलिक्युलर कथ देखा तो बर्तमान ये जो टेनिस रैकेट भाई स्ट्रक्चर रही है तुम यह कौन कह जाए ना ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया निजर ओन जेनेटिक मटेरियल रही है और निजर राइबोसोम रही है जहाँ माइटो राइबोसोम बोली कह जाए और राइबोसोम गुड़ाक 70S टाइप और डीएनए सर्कुलर होता है तेणु से आम माइटोकॉन्ड्रिया कौन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलिकी आम कही था। तेणु ये है तुम माइटोकॉन्ड्रिया अल्ट्रास्ट्रक्चर और ये हूँ कौन मैंने सेल्र आम कौन कह ना सेल्र जो साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आम कह ये कौन करे ना एटीपी जनरेट करे कौन कह जाए ना पावर हाउस ऑफ द सेल बोल के कहुए कहीं ये एटीपी तैयारी करे तेणु यह कहुए पावर हाउस ऑफ दिस सेल और जो एटीपी तैयारी करे एटीपी कौन कहुए शक्ति मुद्रा आम कौन कह एनर्जी कॉइन बोल के कही था। तेणु ये है तुम माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर तापर बर्तमान आम जा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाबद तो बर्तमान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाबद जी कह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन द्वारा तैयारी होता है ये प्री एक्जिस्टिंग तुम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए तापरि हुए ना तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रू ही तैयारी होता है ये न्यूक्लियस को अटैच होकर रही है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिपोर्ट करते प्रोटोर नामक जो साइंटिस्ट 1945 तुम रिपोर्ट करते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी आम टाइप्स कह देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे आरियर ग्रान्युलर जोटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रान्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आम कह कौन पाई ना यार सरफेस ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थाए एमानकर बेसिक आम फंक्शन जदि कह मैंने प्रोटीन सिंथेसिस इनवल्व होता कहीं एमानकर सरफेस ऊपर बेसिकली राइबोसोम रही था। तापर आम जदि एसीआर कथा कह ए ग्रान्युलर कथा कह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए ग्रान्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एमानकर सरफेस ऊपर राइबोसोमटा आबसेंट थाए बेसिकली इनवल्व हूँ स्टेरॉइड सिंथेसिस जमीती तुम कोलेस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ये सब जिनस सिंथेसिस करें ताछड़ा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रे ये साहय करे पिगमेंट प्रोडक्शन डिफरेंट पिगमेंट जो प्रोडक्शन होती से मैंने इनवल्व होंगे और सेल रे विभिन्न प्रकार टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करे ये साहय करें जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन बोल कहता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाव में बेले बेले काम कैर जोटा कि आम मसल सेल रे थाए तो स्केलेटल मसल सेल रे थाए जी की कौन करे ना कैल्शियम आयन को रिलीज करके कौन करे ना मसल कंट्राक्शन करेबारे साहय करते जी कौन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तेणु ये है तुम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाबद आम देखले तेणु बहुत जो आम फंक्शन बाबद कहवा जी एमकर मेन फंक्शन है कौन जी आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कथा कह एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवे साहय करे सेल रे एमने एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन एंडोस्केलेटन भाव में काम करे तेणु ताबाद आउ कौन ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विभिन्न प्रकार एंजाइम द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते इन सरफेस एरिया इनक्रीज करेबारे साहय करते तो बर्तमान देखा आस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी अल्ट्रास्ट्रक्चर बाबद कह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम गोटे सैड तुम कौन होता है ना आटाच होता है तुम एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस सहित आउटर सैड जोटा तुम मेम्ब्रेन आड़ था मेम्ब्रेन सहित आटाच होता है तो ये तुम राइबोसोम सब आटाच होता है ये जो स्ट्रक्चर आम देखुचे यार तीन टा स्ट्रक्चर बेसिकली देखा जाए सब कमन स्ट्रक्चर जी कह दैट इज सिस्टर्न तेणु ये तीन टा स्ट्रक्चर को लेकिन या सिस्टर्न वेसिकल आउ ट्यूबल्स
तेणु सिस्टनी स्ट्रक्चर कथा जदि आम कह सिस्टनीटा हूँ यही टाइप सिस्टनी लंग फ्लाट होता है तुम अनब्रांच प्लेट सब होता है और बा लामेला आम कह आरेन्ज इन ए पारालाल रो ये गोटे सिस्टनी ये गोटे सिस्टनी एम पारालाल रो रे आरेन्ज हो रही है ता बाद आउ किसी भेसिकल थाए तो मैं डायग्राम कैन किसी भेसिकल फर्म थाए जो गुड़ाक तुम टू सम एक्सटेंट ओवॉइड सेप होता है राउंडेड सेप होता है आउ किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लस ब्रांच ब्रांच होता है तेणु ये है तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर एवं टाइप्स एवं फंक्शन बाबद आम जानले तापर नेक्स्ट आम देखा आस राइबोजोम्स बाबद नेक्स्ट ऑर्गेनेल राइबोजोम्स बाबद देखा तो बर्तमान राइबोजोम्स बाबद देखा राइबोजोम को प्रथम आइसोलेट करते पैलाड से कहुए पैलाड पार्टिकल्स बोलिए कहुए और ये नर्माली तुम आर आर एन द्वारा या कौन कहुए ना आर एन पी पार्टिकल बोल कहुए आर एन पी पार्टिकल आम कौन कहूँ ना राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बोल कि ये इयार सहित आम या पूर्व जो जस्ट टी देखिले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोजोम अटाच होगी थाए ये जो अटाच होगी थाए गोटे ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा से ग्लाइकोप्रोटीन है राइबोफोरिन वन एंड राइबोफोरिन टू द्वारा से अटाच होकर रही थाए ये बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज तुम यूकैरियोटिक सेल केस रे देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल केस रे ये मोनोजोम फॉर्म थाए जो एमआरएनए आसे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो एमआरएनए आसे तेरे ये गोटे राइबोसोम लगे तुम कौन करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो प्रायत गोटे राइबोसोम मूव कर सारापर मे बी आउ गोटे राइबोसोम आसो तो दिस आर मोनोजोम्स कंडीशन बट पॉलीजोम कंडीशन कौन ना गोटे एमआरएनए पर बहुत सारा राइबोसोम लगे थे प्रोटीन तैयारी मैंने प्रत्येक राइबोसोम गोटे गोटे प्रोटीन तैयारी करते बट बहुत सारा राइबोसोम तुम लगे थे तेणु ये प्रकार राइबोजोम मैंने राइबोजोम मैंने यूकैरियोटिक सेल केस रे पॉलीजोम कंडीशन देखा जाए मोनोजोम केस रे तुम्हारा ये सॉरी प्रोकैरियोटिक केस रे मोनोजोम कंडीशन देखा था एवं ये हूँ सबुठार स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक हो कि यूकैरियोटिक हो ये हूँ सबुठार स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल एवं दिस आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल एवं यार गोटे मात्र फंक्शन आम जब कह दिस आर द प्रोटीन सिंथेसिस एवं यार जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दुटा यूनिट रही था यार डिसोसिएशन एवं एसोसिएशन डिपेंड करे मैग्नीशियम आयन उपरे बेसिकली तुम मैग्नीशियम आयन उपरे डिपेंड करता है तो बर्तमान ये राइबोसोम्स रो स्ट्रक्चर बाबद जानवा आस प्रोकैरियोटिक रे केते 70 एस टाइप और यूकैरियोटिक रे 80 एस टाइप आम जानचे तो बर्तमान ये राइबोसोम रो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बाबद देखा आस तो आम राइबोजोम्स जब देखा तो यूकैरियोटिक राइबोजोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोजोम्स भितर जब डिफरेंस कह राइबोजोम को लेकिन तेल यूकैरियोटिक राइबोजोम है तुम 80 एस टाइप और प्रोकैरियोटिक राइबोजोम्स है तुम 70 एस टाइप तेणु यूकैरियोटिक राइबोजोम को जब आम तार स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट अलग अलग करवा लार्ज सब यूनिटा तुम 60 एस टाइप और स्मॉल सब यूनिटा है 40 एस टाइप सेमती प्रोकैरियोटिक जो आम देखुचे से 70 एस टाइप जहाँ आम जब तार स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट अलग अलग कर देखा तेल तुम प्रोकैरियोटिक केस रे एटा 50 एस टाइप एटा 30 एस टाइप तो बर्तमान ये प्रश्न आसे आम जो 60 एस 40 एस मिसाऊे तो से तो 100 ही जाऊँच कहीं 80 एस तेना ये है तुम एस फर ये कौन ना एसभेद वर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आम देखुचे तमें कत स्पीड्रे मैंने सेडिमेंट करते तेणु या सहित मिसेक आम देखा किसी जुक्तिजुक्त नुह तेणु ये मिसेवा सहित किसी संपर्क ना से 50 प्लस 30 80 हूँ बट 70 एस तमें सी मिसेवा सहित आम किसी संपर्क ना तेणु ये दुटा मिसिक जो रोच से 70 एस स्पीड्रे से सेडिमेंट करते सेपरेट करें ये 50 एस स्मल लार्ज सब यूनिटा तुम 50 एस और स्मल सब यूनिटा तुम 30 एस रे सेडिमेंट कर बर्तमान ये राइबोसोम जब आम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बाबद देखा तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बाबद कह राइबोसोम ये दुटा मुझे साइड नहीं सरफेस व्यू जब डिफरेंट सरफेस व्यू कथा जब कह तो यट फास्ट देख मर स्म सब यूनिट ये स्म सब यूनिट ये तुम लार्ज सब यूनिट स्म सब यूनिट देख एम गोटे हेड पार्ट अच्छी एपट गोटे सैड मैंने अलग सरफेस जब कह गोटे हेड पार्ट ये बेस ये तुम प्लाटफर्म मझे जो पार्टा रही तुम क्लेफ्ट बोल के कहुए सेमती लार्ज सब यूनिट स्ट्रक्चर जो देखो ये स्टॉप तापर ये जो स्ट्रक्चर गोटे रही है सेंट्रल प्रोट्यूबरेन्स तुम
ଗଲା ତୁମର ରିଚ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପର୍ଟିଭରେନ୍ସ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ହେଡ଼, ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ବେସ୍। ଏବଂ ସେମିତି ଲାର୍ଜ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏ ଲାର୍ଜ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଇଏ ହେଲା ଦେଖ, ଏଠି ଯେମିତି ରିଜ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଇଏ ରିଜ୍ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପର୍ଟିଭରେନ୍ସ, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଷ୍ଟକ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ଲାର୍ଜ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ଡିସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଇନ୍ ଉପରେ ଇଏ ବେସିକାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ତ ମେଜର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହାର ମେଜର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସ ଗଲଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଗଲଗି ବଡି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗଲଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାବଦରେ, ଗଲଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଲଟନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ବେକର୍ସ ବଡିଜ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଗଲଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ନାଁଟା ଦିଆଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା କାମିଲିଓ ଗଲଗି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଇଏ ଅର୍ଗାନେଲ୍ର ନାଁ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ନା କ୍ୟାମି ମାନେ ଗଲଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଗଲଗି ବଡିଜ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଇଟ୍ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍, ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍। ଏବଂ ଲୋୟର୍ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ ବା ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡିକ୍ଟିଏସ୍ ମିନ୍ସ ନେଟ୍ ଏବଂ ସୋମା ମିନ୍ସ ବଡି, ନେଟ୍ ଲାଇକ୍ ବଡି ଏଇ ଲୋୟର୍ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗଲଗି ବଡି ବା ଷ୍ଟାକ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜେନେରାଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦି ଆର୍ ପଲିମର୍ଫିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ପଲିମର୍ଫିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଦି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ସେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସେପ୍କୁ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଲିମର୍ଫିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ନା ମନେକର ଇଏ ଗଲଗି ବଡି, ଗଲଗି ବଡି ଚାରିକଡ଼େ ଗୋଟେ ଥାଏ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଥାଏ, କ୍ଲିଅର୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ କ୍ଲିଅର୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ଗଲଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଗଲଗି ବଡିଜ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗଲଗି ବଡିଜ୍ ବାବଦରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆସ ଗଲଗି ବଡିଜ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ବାବଦରେ। ତ ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଗଲଗି ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ତ ଗଲଗି ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ହେଲେ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ବା ଦୁଇଟା ଫେସ୍ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମିଂ ଫେସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସିସ୍ ଫେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ତୁମର ଇଆର୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୋଇକି ଥାଏ, ଏବଂ ଇଆର୍ର ଆସୋସିଏଟ୍ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଥାଏ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେସ୍ ବା ମେଚୁରିଂ ଫେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା'ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମେଚୁଅର୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଜାଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ ନା ଇଆର୍ ଇଆର୍ ପାଖରୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଇଆର୍ ମାନେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଏ ପାଖରୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେମିତି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମାଲି ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଭେକ୍ୟୁଲ, ସିଷ୍ଟର୍ନି ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ତ ଏଇ ବେସିକାଲି ବା କମନଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭେକ୍ୟୁଲ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର୍ନି ଫର୍ମ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଗ୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଗ୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଗ୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ କେଉଁଠୁ ନା ଏଇ ଗଲଗି ବଡିରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ନର୍ମାଲି ତୁମର ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ହିଁ ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ମ ତିଆରି ହୁଏ, ସ୍ପର୍ମର ଟିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ରୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଯିଏକି ତୁମର ଏଗ୍ର ଭାଇଟାଲାଇନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍କୁ ଡିଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ, ସେଇ ଏକ୍ରୋଜୋମ୍ ତୁମର ତିଆରି ହୁଏ କାହାର ନା ଗଲଗି ବଡି ବା ଗଲଗି ବଡିର ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା ଇଟ୍ସ ଏକ୍ରୋଜୋମ୍। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ତୁମର ଲାଇସୋଜୋମ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିକ୍ରେଟରୀ ଭେସିକିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଗଲଗି ଆପାରେଟର୍ ସବୁ ତୁମର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଗଲଗି ବଡି ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆସ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ବାବଦରେ। ତ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଡି ଡ୍ୟୁଭେ
ଏବଂ ଇଏ ଏନିମାଲ ସେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟଲି କମନ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ହିଁ ଏ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯେଉଁ ଲାଇସୋଜୋମ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ତ ଏଥିରେ pH ହେଉଛି କେତେ ନା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ୍ ବେଗ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ଆତ୍ମଘାତୀ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ବା ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ୍ ବେଗ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଲ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ବଡ଼ି ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଥାଏ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମାନେ pH ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ 50 ପ୍ରକାର 50ଟି ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ୍ ବେଗ୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଲାଇସୋଜୋମ୍ କେମିତି ଅଟୋଫାଜି କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସେ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଇ ଅସୁମି 2016 ମସିହାରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ତ ଏଇ ଲାଇସୋଜୋମ୍ର ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବାବଦରେ ଦେଖିବା ଇଏ ଟାଇପ୍ସ ବାବଦରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ହେଉଛି 4 ଟାଇପ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରେସିଡୁଆଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଟୋଫାଜିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯିଏକି ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଲଗି ବଡ଼ିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ସିଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହେ ସେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତୁମର କ'ଣ କରେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଡାଇଜେସନ୍ ଯାହା ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସେ ହେଲା ରେସିଡୁଆଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଏବଂ ଅଟୋଫାଜିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ଯିଏକି ତୁମର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରିପକାଏ ନା ସିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବା ମାରିଦିଏ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଅଟୋଫାଜିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଯଦି ଫରେନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲା ତାକୁ ମାରିବାରେ ବା ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବାକି ତୁମର ସେଲ୍ର ଯେଉଁ ମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଲାଇସୋଜୋମ୍ ବାବଦରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆସ ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ ବାବଦରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ ଟଲବ୍ରେଟ୍ ଟଲବ୍ରେଟ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଫର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ H2O2 ତା'ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ ଏଠି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଇଏ ନର୍ମାଲି ଫଟୋ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କରିଥାଏ C3 ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏବଂ ଲିପିଡ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କରିଥାଏ ତୁମର ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ କାଟାଲାଇଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ହାଇ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଲୁସିଫେରେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜୁଳି ଜୁଳିଆ ପକାଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଲୁସିଫେରେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏଇ ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଗଲା ତୁମର ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ ତାପରେ ନେଇକି ଦେଖିବା ଆସ ଗ୍ଲାଇକ୍ସିଜୋମ୍ ବାବଦରେ ତ ଗ୍ଲାଇକ୍ସିଜୋମ୍ ବାବଦରେ ଯଦି କହିବା ଇଟ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ଲୁକୋନିଓଜେନିସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲାଇକ୍ସିଲେଟ୍ ସାଇକେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କରିଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋନିଓଜେନିସିସ୍ କରିଥାଏ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟା ବିଟା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଏବଂ ଇଏ ବେସିକାଲି ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଜର୍ମିନେଟିଂ ସିଡ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ଥାଏ ତ ସେଥିରେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତୁମର ସ୍ପେରୋଜୋମ୍ସ କେସ୍ରେ ପେରୋଜୋମ୍ସ ବା ଅଲିଓଜୋମ୍ସ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ନର୍ମାଲି ତୁମର ଇଆର୍ରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ହାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଇଏ କଭର୍ଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଏହାର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ସ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୋ ଲେୟର୍ ତା'ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ଲେୟାର୍ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଲିପିଡ୍ ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟର୍ ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏଇ କେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଲିପିଡ୍ ମନୋ ଲେୟାର୍ ଫର୍ମରେ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ହାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ବାବଦରେ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏବଂ ଲୋୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତିକି ତୁମର ଆଲଜି ଫଞ୍ଜି କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ହାୟର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ ଫାଇବର୍ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ ଫାଇବର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରମ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହୁଏ ସେ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଛି ତାକୁ ଏମ୍ଟକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ବଟ୍ ତୁମର ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଭେରି ଟି ବୋଭେରି ନାମକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ରେ 2 ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଡିପ୍ଲୋଜୋମ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ର ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିବା ତ ଆଉଟର୍
गोटे तुम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर रही कवर रही जहाँ को सेंट्रोस्फीयर बोली कहुए ता भितर जो स्ट्रक्चर रही सेंट्रियोल बोली कहुए तेनालीपर सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर इज इक्वल टू सेंट्रोजोम एवं ये सेंट्रोजोम काम है कौन ना फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो सेल तुम कौन करे ना डिवाइड हुए तो सही से कौन करे ना सेल जो डिवाइड है जो क्रोमोजोम को सेपरेट करने तुम स्पिंडल फाइबर तैयारी करे एवं ये सेंट्रोजोम जब सेंट्रोल जो स्ट्रक्चर देखा तो ये 9+0 अरेंजमेंट तो मैंने 9टा आउटसाइड फाइबर रही थाए तो से भाया सी स्ट्रक्चर द्वारा मेंटेन करता है ये है तुम सेंट्रोजोम। नेक्स्ट देखा आस सिलिया एंड फ्लाजेला बाबद तो बर्तमान सिलिया और फ्लाजेला बाबद जब कह सिलिया तुम नॉर्मली 11टा माइक्रोट्यूबल्स फाइब्रोल को लेकिन तैयारी होता है जी कि 9+2 अरेंजमेंट आरेंज होता है जब कह मन कर ये 9टा फाइब्रोल आउटसाइड रही है और मझे तुम दुईटा फाइब्रोल रही है माइक्रोट्यूबल्स रही है आउटसाइड जो 9टा फाइब्रोल जी कि तुम ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा तैयारी होता है और मझे जी जो दुईटा फाइब्रोल माइक्रोट्यूबुल रही है सी डाइनिन प्रोटीन द्वारा तैयारी होता है ये प्रत्येक जॉइंट होता है तुम नेक्सिन प्रोटीन द्वारा जॉइन होता है एवं यम काम है कौन ना सेल को मूवमेंट करेंगे साहय करता है तेणु किसी रेयर केस तुम सिलिया फ्लाजेला देखा जाए सेल केस रे। तापर आम जा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बाबद साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जब आम देखा तीन प्रकार स्ट्रक्चर देखा जाए गोटे माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट और गोटे इंटरमीडिएट फिलामेंट तो माइक्रोट्यूबुल्स तुम ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा या ये सिलिया और फ्लाजेला मूवमेंट सहित जड़ित तेमती माइक्रोफिलामेंट बाबद जी कह ये एक्टिन प्रोटीन द्वारा या ये नॉर्मली सेल रो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस मैंने जो फंक्शन हुए से इनवल्व होता है सेल को सेप दबारे साहय करता है मेकानिकल सपोर्ट दे था सेल को मेकानिकल सपोर्ट दे था सेमती इंटरमीडिएट फिलामेंट बाबद जी कह ये केराटिन प्रोटीन भीमेटिन प्रोटीन और डेस्मिन प्रोटीन द्वारा या यार मेन फंक्शन है कौन ना न्यूक्लियस को पोजिशन दबारे ये साहय करता है। तो बर्तमान देखा आस वैक्यूल बाबद तो वैक्यूल जनरली तुम प्लांट सेल केस रे देखा जाए जोटा कि मैच्योर प्लांट सेल केस रे गोटे सेंट्रल वैक्यूल देखा जाए जहाँ को आम सेप वैक्यूल बोली कही थो आउ किसी वैक्यूल तुम कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर जो मान काम है कौन ना लोअर इनवर्टिब्रेट केस रे देखा जाए जो मैंने एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तो से एक्सक्रिएशन और ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी रो वाटर बैलेंस करिवारे और एक्सक्रिएशन करिवारे साहय करता है। फूड वेहिकल जो कथा जब कह जो मन कर किसी खाद्य जमीक आमर कौन पारामेसियम तापर तुम एमओई बा एम कौन करती ना जो फूड वेहिकल आसला तुम जो कौन एंडोसाइटोसिस जमी एंडोसाइटोसिस तो सी थ्रु जो फूड आसे कौन कहू फागोजोम फूड विथ तुम जो मेम्ब्रेन कवर होता है फागोजोम जोटा कि लाइसोजोम सहित मिसिक कौन करे ना डाइजेस्ट करता है तेणु सी है तुम सी प्रकार स्ट्रक्चर को आम कौन कहू ना फूड विथ सराउंडेड तुम मेम्ब्रेन जो था फागोजोम जहाँ आम फूड वेहिकल्स बोलिए एयर वेहिकल नॉर्मली तुम प्रोकैरियोटिक मान केस देखा जाए जो वेहिकल तुम एयर रही था जोटा कि कौन एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो मैंने एरोबिक प्रोकैरियोट्स मान केस देखा जाए तेणु ये जो प्लांट्र सेल सेप जो प्लांट्र जो सेप वेहिकल अच्छी लार्ज सेंट्रल वेहिकल अच्छी तार स्ट्रक्चर जब आम देखा तो यार मेम्ब्रेन को जो सेप वेहिकल मेम्ब्रेन को कौन कहुए ना टोनोप्लास्ट और ता भितर थिबा सेप को कौन कहुए ना सेल सेप कहुए वेहिकुलर सेप बोलिए कहुए यार फंक्शन कौन यार रही था कहीं प्लांट जितकी सब जो सेलुलर वेस्ट सब ये कौन हुए ना ये डिपोजिट होे तेणु ये है तुम वेहिकल बाबद कथा। बर्तमान लास्ट आम देखा न्यूक्लियस बाबद तो बर्तमान न्यूक्लियस बाबद जब कह न्यूक्लियस बाबद पढ़िया पाठ को कौन कहुए ना कारियोलोजी और यहाँ डिस्कवर करते तुम रॉबर्ट ब्राउन तो ये न्यूक्लियस जब आम स्ट्रक्चर बाबद जावा न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और इट इज द कह सेंट्रल पार्ट बा सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट बोलिक आम कह गोटे सेल रो यार जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ता भितर जो स्पेस थाए कहुए पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोली कहुए और जो फ्लूइड थाए से फ्लूइड को कहुए न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहुए ये जो पोरटा यहाँ गोटे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कहुए न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स जहाँकि तुम एनुलोस प्रोटीन द्वारा या सम एक्सटेड पोर को जब देखा गोटे बास्केट सेप्र होता है
एवं यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तले जो स्ट्रक्चर थाए आम कौन कहू ना न्यूक्लियर लामिना बोल न्यूक्लियस भितर तुम थाए कौन ना जो क्रोमाटिन सब रही था न्यूक्लियस भितर ये सब तुम एमती क्रोमाटिन सब स्ट्रक्चर रही था जहाँकि मानने कौन पूरा लिनियर फॉर्म रही था इंटर ओवेन होगी रही था सहित गोटे स्ट्रक्चर देखा जाए गोटे ऑर्गेनेल स्मॉल ऑर्गेनेल आम कौन कहू ना न्यूक्लियर लॉस बोली न्यूक्लियर लॉस तो ये न्यूक्लियर लॉस चारिटा पार्ट रही गोटे ग्रैनुलर पार्ट मैंने किसी दाना दाना स्ट्रक्चर रही है ग्रैनुलर पार्ट किसी फाइब्रल स्ट्रक्चर रही फाइब्रिलर पार्ट और किसी मैट्रिक्स रही जहाँ को कहुए अमॉर्फस मैट्रिक्स बोली कहुए न्यूक्लियस को कवर करके किसी क्रोमाटिन रही था ये क्रोमाटिन तुम पेरी न्यूक्लियर आउ किसी इंट्रा न्यूक्लियर पेरी मानकर पेरी न्यूक्लियर जी कि चारिपटे घेरिक थी से पेरी न्यूक्लियर और किसी क्रोमाटिन जो अमॉर्फस स्ट्रक्चर अच्छी मैट्रिक्स अच्छी ता भितर एंट्री कर जाए जहाँ को इंट्रा न्यूक्लियर बोली कहुए एवं इट इज द स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस बा आरएनए सिंथेसिस साइट बोल के तेणु ये है तुम न्यूक्लियस एवं जहाँ आम आज देखिले जो टोटल तुम डिफरेंट ऑर्गेनेल सेल रो ऑर्गेनेल बाबद आज डिस्कस कले सो थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।